वंदे मातरम। राणा सिंह की कंट्रोवर्सी पता है आपको? नहीं पता ना, शायद नहीं पता होगे, क्योंकि अपने वतन में असली हीरोज की बात कहां होती है, नकली चरसी घर दुल्लों का ट्रेंडिंग चलता रहता है सुबह से रात तक। राणा सिंह करके एक सिपाही है जो श्रीनगर कश्मीर में मालूम क्यों तैनात है, हिंदुस्तानी फौज का सिपाही इसलिए तैनात है कि तुम्हारे हमारे यहाँ पर सिविल में जहां पर भी आप हैं वहां पर आपके घरों को कोई आके कब्जा ना कर सके, या आप पर कोई आपको घसीट के, वो आतंकवादी अंदर आके आपको गोली ना मारे और आपको घसीट के आपको मारे ना, है ना, इसलिए वो वहां पर है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ पहले सुनो और फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारे हमारा पीछे खेत है उस पे जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा, उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर चार दो सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापर मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चलान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। आज की दिनांक में रामू मिश्रा, 2 पुलिस आई है बाहर, विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4,000 रुपए दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई, क्या जरूरत थी जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे। किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। थानेदार को मैं रो रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया। बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके। आया नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा, मेरी आत्मसम्मान की बात है। मैंने एसपी साहब कप्तान साहब से बताया, उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। हिंदुस्तानी फौज के एक सिपाही को एक कांस्टेबल पुलिस का मारता है, वहां का जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है जो भी है वहां का, उनका सरपंच सरपंच जो भी है, वो इस पूरी साजिश में मतलब जमीन के उसको हड़पने में साथ देता है और इसकी कोई ना न्यूज बनती है, देख लेना कहीं पर भी, ना ये ट्रेंडिंग होगा ना इसकी कोई न्यूज बनती है। 2.5-3 मिनट की क्लिप है, मेरे पास जैसे आई मैं आधे घंटे के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा बिजी हूं अभी भी, लेकिन मेरे लिए जरूरी था क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब उस सिपाही के घर में जो श्रीनगर में पोस्टेड है, अपने गांव आता है, मुझे एग्जैक्ट ना अभी लोकेशन पता है, लेकिन मैं ये कहता हूं आपके पास जो भी जानकारी है इस सिपाही की मेरे साथ शेयर कीजिए, और जहां पर भी होगा और जिस भी राज्य का ये होगा उस वहां के हाई कोर्ट में मैं इसका साथ देने तैयार हूं, मेरी टीम, मेरी पूरी लीगल टीम, मेरे काउंसिल सब लगेंगे इसमें। एक चीज सुनिए कि कप्तान साहब मतलब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी नॉर्थ का ही लग रहा है क्योंकि कप्तान साहब वही बोला जाता है एक आईपीएस अधिकारी को जो वहां पर एसपी होते हैं। लेकिन अगर जिला और हर चीज आपके पास अगर जानकारी और मुझे दे सकते हैं दीजिए, पहुंचाइए, कमेंट्स में लिखिए, और इस पर ना इनको रगड़ना पड़ेगा कैसे, कानून के तरीके से। आप वर्दी पहन के वर्दीधारी हो सड़के पे हाथ चला रहे हो, उसके बाद कोई यहां सब जिम्मेदार हैं। आप ये सोचिए कि आप लाखों चीजें फॉरवर्ड करते हैं, ये सिपाही का वीडियो अगर ये मुझे पता चला कि 10 से 12 दिन पुरानी अगर बात है तो अभी तक इतना देर कैसे हो गया, क्योंकि ना ये ट्रेंडिंग हो रहा है ना कोई समाचार में दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ तो लोग दूसरी चीजों में बिजी है। मुद्दा यहां ये नहीं कि कौन किस में बिजी है, मुद्दा ये है कि आप किस में बिजी हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ऐसा जब किसी एक सिपाही के साथ होता, वैसे तो बहुत बहुत 15 अगस्त 26 जनवरी को हम डीपी बदल लेते हैं और जय हिंद वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद बहुत होता है, अब क्या नहीं। अगर आप सबको लगता है कि कोई भी सिपाही का अपमान नहीं होना चाहिए तो यह आपकी और मेरी और सबकी जिम्मेदारी है जो इस वतन को सुरक्षित देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, वो वहां
सिपाही जो है वो बॉर्डर पर रक्षा किस लिए कर रहा है, इसलिए कि जब वो अपने गांव आए उसके ऊपर एक कांस्टेबल उसको मारे और वहां के गांव का सरपंच एक षड्यंत्र रखे जहां उसकी जमीन वो तुम्हारी हमारी जमीन वहां पर इस भारत माता की रक्षा करने है, उसके साथ ये दुराचार होता है और सब चुप रहते हैं। ध्यान रखना, अगर ये सिपाही के साथ उसके घर में उसके जमीन के खेत में ये हो रहा है तो जब तुम्हारे ऊपर होगा या तुम्हारे घर या तुम्हारे साथ वाले के ऊपर होगा तो फिर रोना मत, क्योंकि आज तुम चुप हो।